इतना टाइम क्यों लगा रही है? तैयार नहीं हुई? I'm sorry, मैं शादी नहीं कर सकती। अभी तो तुमने कहा था तुम रेडी हो, ये अचानक क्या हुआ? I'm sorry, मैं ये जबरदस्ती की शादी नहीं करूंगी। मुझे रियलाइज हो गया कि मैं कितना गलत करने जा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरी आंखें खोली। ये सब तुमने किया है? किसने कहा था तुम्हें बीच में पढ़ने के लिए? मैं बीच में नहीं पढ़ी, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हर बार मेरे फैसले पे सवाल उठाती हो? क्यों? मैंने जैसे सिर्फ न कहा था कि वो अपने दिल की सुने। बिजनेस के फैसलों में दिल ही नहीं सुना करते रहने का, मुझे नहीं सुना कर। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से आज क्या होगा? मुझे पूरी प्रेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पार्टनर्स, हमारे बिजनेस राइवल्स सब ये शादी अटेंड करने आए हैं, शिवाय सिंह ओबेरॉय की शादी। क्या इज्जत बचेगी हमारे खानदान की जब लोगों को पता चलेगा कि ओबेरॉय खानदान की होने वाली बहू टिया कपूर शादी से पहले भाग गई? टिया मेरे वजह से थोड़ी ना भागी। रिचा तो भागी है, थैंक्स टू यू। मैंने सोचा था टिया को रिचा से रिप्लेस कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, पर नहीं, अनिका को पसंद नहीं है ये। अनिका को पसंद नहीं है। क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हूं? क्यों मेरी प्रॉब्लम को बढ़ाती रहती? मेरी शादी, मेरा बिजनेस, मेरा फैसला, मेरी प्रॉब्लम, मेरा सोल्यूशन कहां से आ रहे? किस हक से तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो? और आपको किसने ये हक दिया कि आप एक बेचारी लड़की की जिंदगी के साथ ऐसे खेलें, उसे मजबूर करें शादी करने के लिए? सिवाय मुझे पता है कि बिजनेस आपके लिए सब कुछ है, शादी कोई बस स्टील नहीं होती है। अगर आप ये शादी करते तो पूरी दुनिया के साथ साथ आप अपने पूरे परिवार को धोखा देंगे। इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। अच्छा बुरा, सही गलत, जो कर रहा था मैं कर रहा तो समझ के कर रहा। शिवाय आप ऐसी किसी के साथ भी शादी कैसे कर सकते? तुम मुझे सिखाओगी क्या सही है क्या गलत? मेरे खानदान की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अनिका, आप, आपकी फैमिली, आपकी इज्जत, आपका
आपका बिजनेस, आपका फैसला, सब कुछ आपका, और उस लड़की का क्या? आपने सोचा है उसके बारे में? नहीं, हम ऐसे कैसे उस पर कीमत लगा सकते बिना उसकी मर्जी जाने? सुनाई कंपनियां खरीदते खरीदते आप इंसान कब से खरीदने लग? कल की रात अनिका के साथ बिताई मेरे बेंच पे, यार ये सौदा मुझे महंगा पड़ा और मैडम ने 15 लाख मांगा। मैं तो मुझसे कह रही हूं बिकने वाला खुद खरीदार पे उंगली उठा रहा है, ये बात ना तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्या मतलब है? उसे कोई हक नहीं बनता दूसरों के फैसलों पे उंगली उठाने का। चल लड़की खुद पैसों के लिए किसी के साथ नहीं सो सकती है। गिरी हुई है। अभी भी पता नहीं मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं। शिवाय सिंह ओबेरॉय खास नहीं हूं, शिवाय सिंह ओबेरॉय गलती तुमने की है अनिका, और इसका हर्जाना भी तुम बहुत हो। मंडप में या कि चोरी में, चोरी में मेरे सास से होगी। होगी